लगता है बेबी बहुत दूर निकल गई, कोई पकड़ नहीं पाया उसे। कैसे पकड़ सकता है, आजकल वो सेठ धर्मचंद की बेटी है, वो एरोप्लेन से तेज भाग सकती है, किसी के हाथ नहीं आ सकती। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, वो वापस आ जाएगी, क्योंकि उसकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। ये तो आप भूल कर रहे हैं सर, उसके गले में सोने की माला है, हाथ में सोने की अंगूठी है और कान में सोने की इयररिंग्स है। फॉरन डिटेक्टिव एजेंसी फोन करो, उसका फोटो हर अखबार में छपा दो, हमारे आदमी हर एयरपोर्ट, हर रेलवे स्टेशन, हर बस स्टॉप पे लगा दो। पता करो कमीना दीपक कहाँ है, वो वही जाएगी जहाँ वो इडियट दीपक होगा। दीपक, हेलो हेलो, मुझे दीपक से बात करनी है। बैंगलोर गए शूटिंग के लिए। बैंगलोर? हाँ। वापस कब आएंगे? कुछ बोल नहीं सकते मैं सर। सुनिए ये पूजा है, अगर ये यहाँ आए तो इसको टिकट इशू मत करना, बिल्कुल इशू मत करना प्लीज। ओके सर। इसको सोचे बड़े हो। अरे यार हो रहा हूँ अपनी तकदीर पे, अरे मैंने पहले ही कहा था बॉस को, इतने बड़े आदमी की लड़की इस कचरा जब्बे सरकारी बस में सफर करने वाली नहीं है, उसे जाना ही होगा तो किसी रेल, हवाई जहाज या कम से कम टैक्सी में तो जाएगी, लेकिन वो खुद सुनता कहा है हमारी। चार घंटे हो गए इधर बोर होते हुए, लेकिन यार इस वक्त वो होगी कहा। ये ले तेरा टिकट, आप बहुत अच्छी हैं। ये ले बाकी बचे हुए पैसे। नहीं नहीं आप रख लीजिए। सच? मैं रख लूं? जी, कितनी अच्छी हो, सुखी रहो। बस कब जाएगी? 10-15 मिनट में। ओके थैंक यू। अच्छा अरे पता नहीं कौन घुसा है अंदर, बाहर निकलेगा तो नाम ही नहीं ले रहा, मुझे बहुत जरूरी फोन करना है यार। बहुत बड़ा पत्रकार है यार, बबू जेटली, नाम सुना उसका? इस एरिया में कोई भी मर्डर होता है, कोई भी रेप होता है, कोई भी ऐसा सा लफड़ा होता है ना, ये देता है न्यूज, यही पेपर में देता है। नहीं छापेंगे। अरे आप चमचे हैं, चमचे, अव्वल दर्जे के चमचे। चमचा? अरे बच्चू पहले लिखना सीखो, पत्रकार बन गए हो हाँ? अरे कलम हाथ में कैसे पकड़ते हैं वो पहले सीखो। स्कूप लाए हो हाँ? ये स्कूप है? नहीं, इसे छाप कर मैं अपनी इज्जत भरे बाजार में नीलाम नहीं करना चाहता। अरे शर्मा जी, मेरी खबर छापने के लिए हिम्मत चाहिए, डेली तूफान निकालते हैं। हवा तो है नहीं, तूफान निकालेंगे। आपका अखबार 2 कौड़ी का नहीं है, कचरा है कचरा। खैर मनाइए, मुझ जैसा रिपोर्टर मिल गया आपको। अरे मेरे आने से पहले बाजार में जरा भी इज्जत थी आपकी? एक बात सुन लो रघु जेटली, आइंदा मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, और अगर भूले से भी तुमने मेरी ऑफिस में कदम रखा तो मैं तुम्हें धक्के मार मार कर मेरी ऑफिस से निकाल दूंगा। क्या? अच्छा तो माफी मांग रहे हैं। लगाई पलटी हा? जब देखा कि रघु तुम्हें जूते की नोक पर नहीं पूछ रहा है तो लगे खुशामद करने। अरे भूल गए वो दिन जब नाक घसते हुए तुम मेरे पास आए थे कि रघु बेटा मेरे लिए रिपोर्टिंग कर ले। नहीं नहीं नहीं, अब वो देर हो चुकी है। ना 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 ना, सॉरी वॉरी कुछ नहीं सुनना है मुझे। गोरवेल सर, आपने अपने बॉस का बैंड बजा दिया। अरे भैया जरा देखना कहीं मेरी बस वस्तु तो नहीं निकल गई। कैसी बातें करते हैं रघु साहब आप, अरे आपको लिए बिना इस स्टॉप से कोई बस निकल भी सकती है क्या? नहीं कहा आपने, चलिए चलिए। अरे साहब, इन अखबार वालों के दिमाग सातवें आसमान पे रहते हैं। जी हाँ, लेकिन मैं इन सबको ठीक करना जानता हूँ। वो कैसे? याद देख रहे हैं आप? जी। अगर हमारे इस हाथ में दम है जी, कलम में जोर है, तो सच बात लिखने से हमें कोई नहीं रोक सकता।
गरीबी में रह लेंगे, दो रोटी कम खा लेंगे, लेकिन कलम नहीं बेचेंगे। वाह वाह क्या बात, बहुत अच्छा। अच्छा भाइयों अलविदा। अलविदा। इधर। थैंक यू सर। नमस्ते। क्या आदमी है। ए कंडक्टर, ये सीट पे क्या रखा है? अरे इंसानों के बैठने की जगह है भाई, चलो हटाओ इसे। क्या क्या परेशानी है? मैंने कहा श्रीमान जी, ये कीमती सामान जो यहाँ सीट पे पड़ा है, इसे हटाने की कृपा करेंगे तो इस गरीब को बैठने की जगह मिल जाएगी। ना रे नाई, वो है अखबार का बंडल, वो उधरी रहेगा बस। ओ कंडक्टर, ये पेपर वेपर पर बैठने की आदत नहीं मुझे। अरे एक बार ऐसे ही पेपर पर बैठ गया था मैं, पूरे अखबार पर जो कुछ भी छपा था मेरे यहाँ पीछे चिपक गया। और लोगों को तो आप जानते ही हैं, फोकट में अखबार पढ़ने की आदत है उन्हें। उस दिन एक अखबार नहीं बिका, सारा गांव का गांव मेरे पीछे लगा था। तो कंडक्टर, आप ये बंडल हटाते हैं या फिर? ये ज्यादा होशियारी नहीं मानेगा क्या? वो बंडल उधरी रहेगा। बच्चू, अब ये बंडल किसी ना किसी को तो उठाना ही पड़ेगा। हाँ उठाना तो पड़ेगा, उठा लो, मुझे तो अपनी सीट मिल गई ना। ए मेम साहब, ये सीट मेरी है, चलिए उठिए। क्या मतलब? देखिए अपना भेजा इस वक्त बहुत गर्म है, आज मैं पहले ही दो झगड़े कर चुका हूँ, आप मेहरबानी करके कहीं और जाके बैठिए। कंडक्टर। हाँ जी। हाँ बोलिए मैडम। ये सीट किसी की रिजर्व है? जी नहीं, जो बैठी है उसी की है। कंडक्टर क्या है, इस सीट पे कितने लोग बैठ सकते हैं? मुझे क्या मालूम, टिकट मुझे मालूम है। दो इसको। ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो खुद भी फिसल जाइयो। क्या हुआ, कुछ पता चला? अब मैं आपको बता सकता हूँ कि दीपक इस वक्त कहाँ है और क्या कर रहा है। कहाँ है और क्या कर रहा है? इस वक्त वो बेंगलोर में और शूटिंग कर रहा है। शूटिंग कर रहा है, तुम्हें कैसे पता चला? ये अखबार पढ़ रहा। तुम अखबार भी पढ़ते हो? आपको पता नहीं, पूरी दुनिया को सारी खबरें इस अखबार से मिलती हैं। इसका मतलब दीपक बेंगलोर में है और पूजा उससे मिलने बेंगलोर जरूर जाएगी, तो फिर पूजा को ढूंढने बॉम्बे बेंगलोर रोड पे जाना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा था। सोचा मत उसे ढूंढो इडियट। सर जाओ बॉम्बे बेंगलोर रोड, जाओ कम ऑन। आपके मोहब्बत का भी जवाब नहीं दीपक जी, सेठ धर्मचंद की बेटी अपने बाप की कैद से भाग गई और आप यहाँ बेंगलोर में मजे उड़ा रहे। ये कोई नई बात है क्या? ये तीसरी लड़की है जो मेरी मोहब्बत का शिकार बन चुकी है। मेरा नाम है दीपक कुमार, द लेडी किलर। जी हाँ जी हाँ, सबको पता है। आपको मालूम नहीं, सेठ धर्मचंद जी बड़े जिद्दी आदमी है, इस बार आप आग से खेल रहे हैं। 70 करोड़ हासिल करने के लिए आग से नहीं तो क्या पानी से खेलेंगे? तुम अभी बच्चे हो, बस एक बार मेरी पूजा से शादी हो जाए
फिर देखना कैसे मैं उस सेठ धर्मचंद को अपने इशारों पे नचाता हूँ। आपको पूरा यकीन है पूजा बैंगलोर भाग कर आएगी? आएगी, जरूर आएगी, और उसके पीछे पीछे उसका बाप भी। घुटने टेकते गया साला, बहुत दूर तक पीछे किया उसका लेकिन हाथ से निकल गया। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। ये जो मैं पागलों की तरह दौड़ता हुआ गया हूँ और हाँपता काँपता वापस आया हूँ, इनको कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ। मुझे उसे क्या मतलब? मैडम, आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपका पर्स चोरी हो गया है। क्या? मेरा पर्स चोरी हो गया, मेरा पर्स चोरी हो गया। अब बजे घंटी। लेकिन ये हुआ कैसे? ये हुआ ऐसे कि हमारे साइड वाले सीट पे जो जैकेट वाला टपोरी बैठा था वो आपका पर्स दबोच के भाग गया। अब मैं क्या करूंगी? अब कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका टिकट भी उसी में रह गया? टिकट तो मेरे पास है लेकिन सारे पैसे उसी में थे, इसमें तो सिर्फ 5-10 रुपए है। अब मैं बैंगलोर कैसे पहुंचूंगी? इन पैसों से घर पर टेलीफोन या तार कर दीजिए, घर वाले भेज देंगे आपको पैसे। घर पर तार? ठीक है, मैं कर लूंगी। मैं सारे कंडक्टर से बोलता हूँ, वो पुलिस में कंप्लेंट लेगा। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, अरे आप ये अजीब है, पर्स चोरी हुआ है, कंप्लेंट तो करवानी चाहिए। मैं नहीं चाहती पुलिस में रिपोर्ट करना। तो मैं कर देता हूँ, शायद आपका पर्स वापस भी मिल जाए। देखिए मिस्टर, आपको हिंदी समझ में आती है तो सुनिए, मुझे पुलिस में रिपोर्ट नहीं करनी, आप मेरे मामले से दूर रहिए। ओके, लीव मी अलोन। एहसान फरामोश। आधा घंटा और, अभी भी बस खड़ी है। अरे वो टोपी वाला नहीं आया? आ गए, बाबा का राजा है। बाप की बात है भैया, जब मर्जी आएंगे नहीं आएंगे, सुनिए इस देश का कुछ नहीं हो सकता। बस Thank you.
एक्शन चाहता हूँ एक्शन। सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, कहाँ है आप? कोशिश नहीं, मुझे नतीजा चाहिए। अब सर हमारे बस में जितना हम कर रहे हैं ना सर। अरे बस में नहीं, ट्रेन में, साइकिल रिक्शा में, बस में, जहाज में, समुद्री जहाज में, सब जगह ढूंढो। मेरे पूरे 200 आदमी बॉम्बे बेंगलोर रोड पर छाए हुए हैं और उसे ढूंढने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो दीपक के साथ नहीं है? सर मुझे पूरा यकीन है कि वो दीपक के साथ नहीं है। सर पूजा के लापता होने के बाद दीपक पे पूरी पूरी निगरानी रखी जा रही है, यहाँ तक कि उसके फोन सुने और टेप किए जा रहे हैं। आई होप पूजा इज ऑल राइट। आई ऑल्सो होप सो सर। सर एक आइडिया आया। क्या? सर पूजा के लापता होने की खबर रेडियो, टीवी और अखबारों में उसकी फोटो के साथ छाप दी जाए और ये कह दिया जाए कि ढूंढने वाले को 1,00,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। 1,00,000 रुपए इनाम? उस्ताद, आज अपुन ने ऐसा हाथ मारा है, आप होता ना तो मान जाता था। ठीक है जाओ यहाँ से। अरे कम से कम 4,000 का माल है, 4,000 का। साला अपने हिस्से में हमेशा 2-4,000 ही होते हैं, बड़ी चिड़िया फंसती है दूसरे के जाल में। ये मिले तो पात बने, बड़े सेठ की छोकरी है, कम से कम 5,00,000 की आसामी होगी। साहब ये तो वही छोकरी है। कौन वही? वही जो अपन को बेंगलोर वाली बस में दिखाई दी थी। तुमको सब छोकरी साला एक जैसे दिखता है। गारंटेड बोलता है साहब, ये वही छोकरी है जिसका पर्स मार के अपन भागा था। इसके साथ में छोकरा भी है। सच बोलता है तुम? कसम से बोलता है साहब। अच्छा चलो। जिस जिसको नाश्ता पानी करना हो यहाँ उतर सकता है। गाड़ी यहाँ 20 मिनट रुकेगी, सिर्फ 20 मिनट। सॉरी, मैं भी कैसी बेवकूफ हूँ, आपने मुझे हटाया क्यों नहीं? कोशिश की थी। चाय वाय पीएंगे आप? नहीं शुक्रिया, मैं घूम के आती हूँ। बस छूट जाएगी। सुनो हुँ? अगर मुझे देर होगी तो मेरा इंतजार करना। इंतजार? ये लड़की क्या है भाई, क्या चीज है ये? Thank you.
दे चुकी हूँ। सुनिए जी, बैंगलोर के लिए बस कब जाएगी? अब तो सिर्फ रात को 8 बजे ही है। 12 घंटे बाद तब तक कोई बस नहीं बैंगलोर के लिए? नहीं, बैंगलोर सिर्फ 2 ही बस जाती, एक सुबह और एक रात को। क्या हुआ, बस रुकी नहीं आपके लिए? अजीब नालायक चीज है, आपने हुक्म दिया फिर भी नहीं रुकी। इन बसों का यही चक्कर है, टाइम पर आती है टाइम पर जाती है। तुम्हारी बस भी छूट गई? जी हाँ, किस्मत मेरी बस भी छूट गई। देखो अब तुम उस पर यह जताने की कोशिश मत करना कि तुमने मेरी वजह से बस छोड़ दी। मैं ये कहने की सोच ही रहा था लेकिन आपने रोक दिया। कल नींद के झोंके में जरा सा टिक गई तो शायद तुम्हें कुछ आइडियाज आने लगे हैं। एक बात साफ साफ समझ लीजिए कि आप मुझसे जरा दूर रहा कीजिए, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को संभालना जानती हूँ। मिस पूजा धर्मचंद, आपका टिकट बस की सीट पर रह गया था। मैं पूजा धर्मचंद नहीं हूँ, अमूर्ति चिड़िया के पर गिनने वालों में से है मिस पूजा धर्मचंद। हमें बनाने की कोशिश मत कीजिए, बैंगलोर के सारे रास्ते आपके लिए बंद है, आपके डैडी आपको किसी हालत में वहाँ पहुँचने नहीं देंगे। आप हवा में बातें कर रहे हैं। सारे अखबारों में आपकी तस्वीर छप चुकी है, साथ में 1 लाख इनाम भी है। वो जो एक्टर है ना, क्या नाम है उसका? हाँ, दीपक कुमार। उसके साथ जो आपका टांका भिड़ा है मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, वो है अव्वल नंबर का चालू और आपके दिमाग का स्क्रू ढीला है। ऐसो को ही तो देखकर कहा जाता है कि राम मिलाए जोड़ी। जहां दो घर बिगड़ने वाले थे वहां एक ही बिगड़ेगा। मेरी मानिए और पहली बस पकड़कर वापस बंबई चली जाइए अपने डैडी के पास, वो दीपक बड़े ही बोगस मतलबी और चालू इंसान है। मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं दे रहा हूं, मेरी मानता देखिए।
देखो मेरे डैडी को मत बताना, जितना इनाम डैडी दे रहे हैं उतना मैं भी दूंगी, बस एक बार मुझे बैंगलोर पहुंचा दो। ए, तुम क्या समझती हो दुनिया में हर चीज पैसों से खरीदी जा सकती है? ये नहीं कह सकती मैं मुसीबत में हूँ, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, ये लो तुम्हारा टिकट, पैसों का लालच देती है। सुनिए प्लीज, मुझे जल्द से जल्द बैंगलोर पहुंचना है, मेरी मदद कर दीजिए प्लीज प्लीज। सलीखा सीख रही है आप, देखिए यहाँ से 25 किलोमीटर दूर एक बस स्टॉप है, वहाँ से एक बस मिल जाएगी। 25 किलोमीटर? जी हाँ, दामे तो चलिए। तुम्हारे लिए ड्राइवर सलूट करके दरवाजा खोलेगा। हमें किसी से लिफ्ट भी तो मिल सकती है। लिफ्ट लिफ्ट अगर इतनी आसानी से मिल जाती तो सारे कड़के दुनिया घुमाते, कभी सड़क के किनारे खड़े होकर लिफ्ट मांगिए किसी से, आज तक तो जरूरत नहीं पड़ी। अरे मैम साहब, लिफ्ट मांगना भी एक कला है, कला। अच्छा, इसमें क्या कला है? इशारे होते हैं, यानी कि पागलों की तरह हाथ हिला रहे, कुछ नहीं होता, गाड़ियां चली जाती हैं। ये अंगूठा देख रही हैं आप, बड़े काम की चीज है, जैसे अगर एक छोटी सी गाड़ी आ रही हो तो इशारे यूं छोटे फौरन रुक जाती है, लेकिन देखा अगर एक बड़ी सी गाड़ी आ रही हो जैसे कोई रईस की गाड़ी तो फिर यूं थोड़ा झुक के चेहरे पे मुस्कुराहट, ताकि उसके मन में दया और इंसानियत जाग उठे। अगर देखा लॉरी आ रही है, बड़ी सी लॉरी तेज, तो फिर ये मीठी नजाकत से काम नहीं चलेगा, इतनी बड़ी लॉरी के सामने ये छोटा सा अंगूठा क्या चीज है, कुछ नहीं। फिर तो यूं यूं बड़ा हाथ फिराना, दूर जाके रुकेगी, लबक के जाओ, ए जी मुझे बैंगलोर तक जाना है जी, तो बैजा बसाओ, इसमें की गलत। अरे मैम साहब, लिफ्ट मांगने की कला पे मैं एक किताब लिखने वाला हूँ। हद तेरी तो, निकल गए ना गाड़ी, तुम बोलती बहुत हो, बक 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 बक, आधा वक्त तुमसे बात करने में निकल जाता। वो एक और आ रही है। हाँ, अब जरा देखो, सीखो जरा लिफ्ट कैसी ली जाती है, सीखो। तुम्हारा अंगूठा छोटा है। अंगूठा छोटा नहीं है मेम साहब, उसकी आंखें कमजोर हैं। अच्छा वह लिफ्ट नहीं दी, कहीं ठोक दिया था गाड़ी। मैं लेती हूँ, कोई गाड़ी रोकी तो मुझे उठा देना। पैदल ही जाना पड़ेगा, कहो तो मैं कोशिश करके देखूं।
अगर मैं तुम्हारी जगह होता उस ट्रक में कभी नहीं बैठता। मैं बैठूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी जगह में नहीं हूँ। आइए आइए, सुहाना सफर है और मौसम हसीन है। वाह, लाइफ बन गई। थैंक यू। थैंक्स तो मैं बोलूंगा जी, सुबह से इतना वक्त हो गया, इतनी हसीन शक्ल नहीं देखी इस सफर में, लाइफ बन गई। थोड़ा इत्मीनान से बैठिए ना, जरा पास आइए ना। नहीं, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। सेल्समैन की जिंदगी में कितना अकेलापन होता है, उसे वही समझ सकता है जिसके पास दिल हो। लंबा सफर, सोना रास्ता, प्यास जागती है, उठती है और रह जाती है। ऐसे में तो जब गाड़ी का छप्पर फाड़ कर आप जैसे अप्सराएं उतरती है ना, तो मेरे दिल में एक बात उठती है, प्यारे लाइफ बन जाएगी, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। गाड़ी क्यों रोकती? आप पास है ना, ये गाड़ी बैंगलोर तक अब रुक रुक कर चलेगी। क्या मतलब? एक सनम चाहिए आशिकी। जानता नहीं मैं कौन हूँ, 55 किलोमीटर तक बंदे की सल्तनत चलती है, 28 खून कर चुका हूँ और 54 करने की हवस है। रामन राघव नाद है मेरा, जिसने हमेशा चलती गाड़ी में ड्राइवर का खून किया है और गाड़ी को आग लगा दी है, अब तो मुझसे नहीं बचेगा। पोटे बोल, लटक के मरेगा या लटक के? आज मैं काली माँ को तेरी बलि चढ़ाकर तेरा प्रसाद खाऊंगा इन गोली गालों का। वैसे इसकी बिगाड़ अच्छे तू नहीं, तेरी बीवी सही, किसी एक की बलि चढ़ेगी। आज की रात है, माँ कसम माई को भूखा नहीं छोड़ूंगा। बोल, किसकी जान सस्ती है वही मरेगा। बोल, तू इसे ले जा, ले जा। इसे क्यों, तुझे क्यों नहीं? फिर गाड़ी कौन चलाएगा? चलो सुंदरी, तेरा वक्त आ गया, निकल यहां से। लाइफ बच गई। तुमको बोला था ना उस ट्रक में नहीं बैठने के लिए? मुझे क्या मालूम था वो ऐसे निकलेगा। मुझे क्या मालूम था ऐसे निकलेगा। चुप रहो, चलो अभी। आइंदा मेरी बात सुनना। क्या है सर? रघु जेटली का टेलीग्राम आया है। कितने सालों से तुम यहाँ काम करती हो? हा? कितने सालों से तुम यहाँ काम करती हो? 3 साल। 3 सालों में तुमने रद्दी की टोकरी नहीं देखी? ये क्या है? ये क्या है? टोकरी डालो, इसमें डालो। नहीं नहीं, मैं निकालो इसमें। ओके सर। बच्चों, दुनिया बहुत आगे निकल गई है बच्चों। जाओ तुम, जाओ तुम। क्या आज यहाँ से बैंगलोर के लिए कोई बस नहीं जाएगी? क्यों? आगे पुल टूट गया है, आपको रात भर यही रुकना पड़ेगा। सुनिए, यहाँ कोई ठहरने की जगह है? हाँ, उधर एक पास है, गेस्ट हाउस है, आप इस तरफ से चले जाइएगा। मुझे क्या देख रही हो, पुल मेरी वजह से नहीं टूटा है। ए डोंडू, आपको 106 नंबर की चाबी दे दो। जी अच्छा। सर, आपका नाम और पता इसमें लिख लीजिए। आइए मैडम, कमरा मिल गया। चलो मैडम, तुम और तुम्हारा घर वाला कंफर्टेबल रहना।
मैंने कहा सुनती हो? रात भर यहीं खड़े रहना है या सोना भी है? तुम खुद को बड़ा होशियार समझते हो? जाहिर है, इस जमाने में सभी को थोड़ा बहुत होशियार होना चाहिए। नीचे वो मैनेजर क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? तुम और तुम्हारा घर वाला रात को अच्छी तरह सोना। हाँ, वो मैंने नीचे रजिस्टर में मिस्टर मिसेस लिखा है ना, इसलिए। अकड़ क्या रही हो? खैर मनाओ, बातें बनाने से रूम मिल गया। शुक्रिया कहना तो दूर, ऊपर से रोक रही हो। तुम अपने आप को बड़ा 30 बार खास समझते हो। खुद की सोचिए, आपका दिमाग भी 7वें आसमान पे रहता है। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारी इन चालबाजियों का शिकार बन जाऊंगी? ए, 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 अगर तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हारे साथ कोई चक्कर चलाने के मूड में हूँ तो दिमाग साफ करो अपना। तुम मेरे लिए सिर्फ एक खबर हो, अखबार में छपने वाली एक सनसनीखेज खबर। खबर? तुम किसी पेपर की रिपोर्टर हो? हाँ, अब सुनो, तुम्हें दीपक कुमार तक पहुँचना है ना, तो ठीक है, मैं तुम्हें दीपक कुमार तक पहुँचने में मदद करूंगा। मुझे चाहिए एक जोरदार आंखों देखी कहानी, प्रेम में पागल एक अमीर लड़की के उसके आशिक तक भागकर पहुंचने की कहानी, जिसमें यह गरीब पत्रकार हर लम्हा हर मिनट उसके साथ था। इसीलिए मैं तुम्हारा ये 1000 नखरे सहन कर रहा हूं। तुम एक अकेली लड़की को इस कमरे में अखबार की कहानी लिखने लाए हो? देखो, मैं कड़का हो रहा हूं और तुम्हारे पास भी कुछ है नहीं, अलग अलग कमरों की अय्याशी, इतने पैसे है नहीं मेरी जेब में। अब अगर तुम्हें इस कमरे में रहना पसंद नहीं तो तुम बाहर जाकर रह सकती हो, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, अगर तुमने ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मैं सीधे तुम्हारे बाप के पास जाके तुम्हारी पोल खोल दूंगा, समझे? मैं यहां सोऊंगी, मैं इन कपड़ों में कैसे सोऊंगी? एक कहानी के लिए मैं इतना परेशान अपनी जिंदगी में कभी नहीं हूं। तू है वो
सहमी नजर वो कम सिन चाहत भी है मेरे महबूब में वो दीवानापन वो मासूमियत शरारत भी है बड़ी गहरी नींद में हूं। अच्छा एक बात बताओ तुम्हारा नाम क्या है? रघु जेटली। पहले रघु बाद में जेटली। जेटली मुझे ये नाम पसंद नहीं। एक ही रात की बात है श्रीमती पूजा जेटली। कल सुबह होगी फिर पूजा कहां जेटली कहां। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई मिसेज जेटली। मुझे भी। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं आप सो जाइए नींद आएगी तो सपने आएंगे। क्या दिखेगा सपनों में? बैंगलोर दिखेगा मेम साहब जहां आपको जाना है। गुड नाइट। अभी तो सॉरी हो तुम चलो उठो। टाइम क्या हुआ? 8 बजे। आओ ये क्या है? चलो जल्दी करो। ओ टूथब्रश थैंक्स। इसे इस्त्री करवाई तुमने? हाउ स्वीट। नाश्ता तैयार है जल्दी आओ। इसे कहाँ इस्त्री करवाई तुमने? देखो मुसीबत
मैं 10 तक गिनूंगा और तब तक अगर तुम खटिया से बाहर नहीं निकली तो मैं तुम्हारी टांगे घसीटकर तुम्हें बाहर निकालूंगा। 1, 2, 3 नहीं उठती मैं। 4, 5, 6 मुझे सोना है। 7, 8, 9, 10 उठती हूँ। बाथरूम बाहर निकलकर बाईं तरफ है। बाहर? देखिए मेम साहब, हमारे मुल्क में बाथरूम अक्सर घर के बाहर होते हैं। मैं ऐसे बाहर नहीं जाऊंगी। कैसे? ऐसे इन कपड़ों में। ये लो, लेकिन जल्दी करो। मेम साहब, क्या बताया तुमने? बाथरूम कहाँ है? बिल्कुल गुड़िया लग रही हो तुम। मैंने पूछा बाथरूम कहाँ है। पता है तुम्हारे बाल ऐसे ही अच्छे लगते हैं, ऐसे ही रखा करो। मैं खुद ढूंढ लूंगी। खारी बिस्किट और एक चाय, यह है आज का राशन दोपहर के खाने तक का। चलेगा? तोड़ी का। मैं मक्खन, डबल रोटी और जैम भी ले आता, लेकिन क्या है खर्चा कुछ ज्यादा था इसलिए। उसमें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं जेटली साहब, आप शायद नहीं जानते मैं आपकी कितनी शुक्रगुजार हूँ। आज सवेरे सवेरे कुछ ज्यादा ही शराफत दिखा रही हैं आप। शायद मौसम का असर है। शायद गलत बात है, गलत बात है। आप इस तरह हर कमरे में घुस घुस के हमारे गैस को परेशान नहीं कर सकते। 10 बार तुमको बोला है, 10 बार बोला है कि इस नाम की कोई लड़की हमारे होटल में नहीं ठहरी, फिर भी मानता ही नहीं। अरे बच्चा, जासूस है करके क्या तुम मेरा पूरा होटल छान मारोगे? जी सर। जासूस तुम्हारी तलाश में। तारी ने भेजी होंगी। अब मैं क्या करूं? बोलो ना, मैं क्या करूं? मुझे क्या मालूम, मैं थोड़ी शादी करने जा रहा हूं। ऐसा करते मैं खिड़की निकलकर भागती हूं। दिमाग खराब है तुम्हारा। बैठो, चलो बैठो। इधर भी कोई नहीं है, पार गए सब। आगे चलो ना, 100% जाओ। मेरे को मालूम है ना, मेरे होटल में कौन पीछे रहता है वो। इधर कोई नहीं है, 100% जाओ। कितने बार बोलेगा? अरे सुनती हो, पूना से मौसी की चिट्ठी आई है तुम्हारी वो वाली बात के बारे में। लिखती है कि जब तुम लोग घूमने निकले ही हो तो 2-4 दिन पूना भी आ जाओ। बेचारी बोलती है कि बहू के पेट में बच्चा हो तो 2-4 दिन आराम तो करना चाहिए कि नहीं। ये देखो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या बात है? समझ में कैसे आएगा, घर वालों की बात तुम्हारे भेजे में उतरी है कभी? कितना प्यार करती वो हमें, नहीं जाएंगे तो कितना दुख होगा उसे। हाँ, एक तरह से तुम भी ठीक कहते हो, बेचारी मौसी का हमारे अलावा है ही कौन। दरवाजा खोलिए। सुनिए, आपसे कोई लोग मिलने आए हैं। मुझसे? कमाल है। आपका नाम क्या है? नाम मुझसे पूछा आपने?
जी आपका नाम क्या है? देखिए जी, मुझसे मेरा नाम पूछ रहे हैं। हे, क्या बात है? हाँ, मेरी जोरू के नाम से आपको क्या? हाँ, बिना मुझसे पूछे मेरी जोरू से उसका नाम पूछते हो? मर्द से बात करने में शर्म आती है? नाराज क्यों होते हो जी? नाम ही तो पूछा इन लोगों ने, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं की। ए, तू चुप बैठ। जब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं, समझे? चल तो चल। अरे मैं बोल रहा हूँ चलंदर। ऐसा क्या बोली मैं, मुझसे क्यों नाराज होते हो? ऐसा क्या बोली मैं, मुझसे क्यों नाराज होते हो? चलंदर, परसों होटल में खाना खाने के टाइम भी ऐसे किया था तूने। क्या किया था? जब वो मोटा तुझे घूर रहा था और मैं उसे मारने उठा तो रोक लिया मुझे। कचुंबर बना था वो तुम्हारा। अरे जा जा, दारू पी के लगता है सबसे, रोकूंगी नहीं मैं। अच्छा, मैंने दारू पी थी? पूरी बोतल पी गया। मेरे साथ में झूठ मत बोलो। मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ। क्या मिल गया आप लोगों को, मियां बीबी पे झगड़ा करवा कर? मैं जा रही हूँ, वापस नहीं आऊंगी। अरे जा, कहाँ रही है? अपने उस तेली बाप के पास। चल बैठ, वरना लगाओ दो और। हमें पूजा धर्मचंद नाम के लखपति बाप की बेटे की तलाश थी और आपकी बीवी की शक्ल उससे बहुत मिलती है। अरे तो भैया कहीं और जाके ढूंढो ना, यहाँ आकर हमारा सर क्यों खा रहे हो तुम लोग? हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो। ओके ओके, सॉरी सॉरी। चलो भैया। अब अगर मौसी क्या नहीं रुके तो वाकई मौसी को बहुत दुख होगा। क्या है? आपकी बस 5 मिनट में निकलने वाली है। अरे बाप रे, लगता है ये बस भी छूटने वाली है। चलो निकल गई ना बस, अब मांग करो लिफ्ट। तुम हसीनों का तो सारा वक्त सजने संवरने श्रृंगार विंगार और चटरपटों में निकल जाता है। कैसा है, 9 महीने हो गए? 18 महीने का लग रहा है, कुछ कम करो। हाँ अब ठीक है। नाम सुस हो जाए। हाँ नाम? किसका नाम? अरे वही जो बच्चा होने का है ना उसका। क्या बताऊं आंटी, ये सब इतनी भागदौड़ में हुआ कि अगर लड़की हुई मैं उसका नाम पीटी उषा रखने वाली हूँ। वेरी गुड। और लड़का हुआ तो भोला प्रसाद। बहुत अच्छा, अच्छा है। भोला प्रसाद? क्या बोली तू, ये कोई नाम है? मेरा बेटा और भोला? नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे आंटी, हमारे खानदान में भोला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ है। सब एक से एक अकलमंद पैदा हुए हैं। भोला प्रसाद बकवास नाम है। तुम्हारा लड़का तुम जैसे ही बुद्धू होगा। इस ख्याल में मत रहना कि मैं ब्याह कर आ गई तो तुम्हारे घर में सचिन तेंदुलकर पैदा होने वाले हैं। वेरी गुड। हाँ ठीक है, लेकिन इतना बूंदू भी नहीं हो कि साला 0 पे आउट हो जाए। तुम लोग बहुत अच्छा लड़ाई करता है। साहब क्या है वो 106 वाले का बटुआ यही रह गया है? हाँ? अरे रे, गड़बड़ हो गया। एक काम करना, नीचे ले गया। लाता हूँ सर। बस बस आंटी, तीनों पीछे। अच्छा अच्छा पाली ने जाना। हा? थैंक यू आंटी। और देखो पीटी उषा हो के सचिन तेंदुलकर, मेरे को बता देना। ओके बाय आंटी। बाय बाय। हाँ बहुत भूख लगी है। तो पराठे, एक चीज ऑमलेट और एक आइसक्रीम ऑर्डर करूंगी। हाँ मैं तो भेजा पाव, अंडा करी और बिरयानी खाऊंगा। तुम पर्स कैसे भूल सकते हो? तुम अपने आप को बड़ा अकलमंद समझते हो? स्टूपिड। जब से तुमको देखा है मेरी किस्मत ही फूट गई है। भूखे रहो और पैदल चलो। अरे कोई बचाएगा मुझे? मेरी बेटी की जिंदगी तबाह मत करो। मैं अपनी पगड़ी तुम्हारे पांव पर रखता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। क्या हुआ सर? तमो क्या हुआ? क्या मुझे भयानक भयानक सपने आ रहे हैं कि
मैं उस उल्लू के पट्टे दीपक कुमार के गंदे गंदे पाँव पकड़ रहा हूँ। आप उसके पाँव पकड़ेंगे? सर मैं उसके पाँव पकड़ लूंगा। मगर क्यों, मैं भी उसके पाँव क्यों पकड़ू? क्योंकि पता नहीं मेरी बच्ची इस वक्त किस हाल में होगी। हाँ सर, बहुत बुरे हाल में होगी बेचारी। तो फिर जाओ उस गधे दीपक कुमार से कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं? अरे तुम तो जाओ यार। ओके सर, ओके। पूजा पूजा, मैं हार गया। मैं तुम्हें घर पे वापस लाने के लिए उस उल्लू के पट्टे से सुलह कर लूंगा। मैं देख रहा हूँ कि मेरी बच्ची भूखी प्यासी सड़क पर बैठी है। पूजा भूख लगी है। थैंक यू। मेरा सर दर्द कर रहा है। मुझे ठंड लग रही है। चुविंगम निकल गई। शिकायत करने के सिवा और कुछ सीखा तुमने जिंदगी में? मैं तुम्हें कोई कंप्लेंट का रजिस्टर दिखता हूँ? जिंदगी में अच्छा सोचा करो, अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा। चलो रघु, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो बाहर में जाओ, उठो यहाँ से। लेकिन बंदा तो आराम से यहाँ पैर फैला के सोएगा, समझी? Damn it, बदतमीज कहीं का, बात करने नहीं आती। ए रईस की बच्ची, ज्यादा अदाएं दिखाने की जरूरत नहीं, समझी? ये जो बिस्तर जैसा बना है तुम जैसी नाजुक चीज के लिए सही है। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं यहाँ पर डेरा जमाऊंगा। रघु, मैं यहाँ कैसे रहूंगी? रघु, डोंट डिस्टर्ब मी, मैं सो रहा हूं। सोने की जगह है ना खाने को कुछ, और बोले जाओ तो डांटता है बार बार। अगर तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं तो तुम जा सकते हो, जब चाहे जा सकते हो। रह लूंगी मैं अकेली। कमाल है, पहले बोला भूख लग रही है, जब मैं ये लाया तो कह रही डर लग रहा है। हाँ ये लो खा लो। नहीं मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा क्यों, तुम्हें तो भूख लगी थी ना? अब डर भी मिट गया और भूख भी मिट गई। हे भगवान, ये लड़की तो मुझे पागल करके छोड़ेगी।
दिल है के मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत ये जानता ही नहीं। Thank you.
सोच रहे हो? ताज्जुब करोगी, तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। मेरे बारे में क्या? तुम रईसों की जिंदगी का मकसद क्या होता? क्या मतलब? तुम्हें अपने बारे में सब कुछ पता है। मैं पैसे वाली हूँ, मुझे वहां जाना है, मुझे उससे शादी करनी है। मगर इस दुनिया के बारे में तुम्हें कुछ पता है? लोग कैसे हैं, जिंदगी कैसी है? जिसके पीछे तुम दीवानी बनी दौड़ रही हो, कुछ ही दिनों में तुम उसी से पीछा छुड़ाकर भाग लोगी। यही तो मुश्किल है तुम लोगों में, बस भागते रहो गोल गोल। दरअसल तुम अपने आप से भाग रही हो, तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए। क्या तुम्हें पता है तुम्हें क्या चाहिए? फिलहाल तो मुझे उस गाड़ी में लिफ्ट चाहिए। बॉस, ये वही लड़की है, लड़का भी उसके साथ है। बचपन में माँ बाप ठीक ही करते थे यार, रोजी कमाना बहुत मुश्किल काम है। गधों की तरह भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। लखपति बनना आसान नहीं है भैया। अरे मालूम है, चल तो फिर चलो ना। चल ना। कौन है ये लोग, हमारे पीछे क्यों कर रहे हैं? अरे ये वही पीले जैकेट वाला टपोरी है जो तुम्हारा बैग लेके भागा था। हाँ। लगता है इनाम के चक्कर में तुम्हारे पीछे पड़ा है, और जान फंसी है मेरी। पिस्तौल भी है साले के पास, अब पता नहीं किन किन चक्करों में फंसाओगी तुम मुझे। चलो कर भी क्या सकते हैं। देखा, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं थी। ऊपर करके ऐसे लाऊंगा, वो लोग गोली चलाएंगे, मैं फौरन मर जाऊंगा। क्यों मर जाओगे? मना नहीं। झूठ मूठ मारूंगा बाबा, फिर तुम खड़ी होकर चिल्लाना मर गया मर गया। वो जैसे तुम्हें पास आके पकड़ने की कोशिश करेंगे, मैं लपक कर उनकी बंदूक छीन लूंगा। गुड आइडिया। सुनो, जैसे वो 20 फीट की दूरी पर हो तुम मुझे होशियार कर देना। ओके। मर गया मर गया मर गया, ऐसे चलाओ ना मर
काफी बड़ी है हाँ 30 फीट रखो तैयार है ना रखो 20 फीट रखो सुन रहे हो ना रघु 10 फीट उठो रघु रघु उठ रघु उठ रघु आवे उठ रघु उठ रघु उठ रघु बहुत आ रहा गया उठ पकड़ लो छूना मत मुझे छूना मत वाला था ना क्या हुआ लड़की अरे वाह आपने इसको कहीं देखा है अरे हाँ इसको तो अभी देखा मैंने कुछ गुंडे उसे गाड़ी में डालकर ले गए गुंडे चलिए मैं दिखाता हूँ चलो चलो मिस पूजा आप इस तरह चिल्लाइए मत हम लोग क्या कैरेक्टर के बुरे नहीं है वो आपको किडनैप किया है ना इसलिए आपको तकलीफ हो रही है वरना हम पराई लड़की को हाथ तक नहीं लगाते हाथ तक नहीं लगाते माय फुट बच्चे हो गरीब कमीने हो चुप 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 कितना जोर से काहे को चिल्लाती है देख बात क्या है कोई लखपति बाप अपनी बेटी को रोड पे छोड़ेगा तो 2-4 लाख के फटके में तो आ ही जाएगा ना है इसलिए मैं बोलता हूँ जल्दी बता दो तेरे बाप का फोन नंबर क्या है ताकि हमारी परेशानी भी खत्म हो जाए बोलना तेरे बाप का फोन नंबर क्या है बोलना तेरे बाप का नंबर चाहिए आपको बताती हूँ
जाएगा बच्चू, तूने बहुत धुलाई की है। शाबाश शाबाश, जानता है मेरे हाथ में क्या है? बम है, बम। मैं इससे तेरे चीथड़े उड़ा दूंगा।
से तुझको देखा है दिल है बेकरार, जब से तुझको देखा है दिल है बेकरार, तू क्या जाने तुझसे कितना करता हूँ मैं प्यार, तू क्या जाने तुझसे कितना करता हूँ मैं प्यार, फंसाने उल्फत के तुझे सुना दूंगा, जो मेरे दिल में है तुझे बता दूंगा, जो मेरे दिल में है बता दूंगा। दिल तुझ पे आ गया, दिल तुझ पे आ गया, क्या नशा छा गया, हे हे हे। दूसरे के बाप को अपना बाप कहते हुए शर्म नहीं आती? कम विद मी। एक बात साफ साफ समझ लो, तुम चाहे कितने बड़े एक्टर हो, चाहे बड़े बड़े पोस्टरों पर तुम्हारा थोबड़ा हंसता हुआ नजर आए, या मूर्ख लड़कियां तुम्हारे पीछे पागलों की तरह दौड़े, अगर मुझे तुमसे हमेशा नफरत है, नफरत थी और नफरत रहेगी। ये बात तो आप मुझसे पहले भी 100 बार कर चुके हैं। और जिंदगी भर करूंगा। सिट डाउन। आप जो कुछ भी कहिए मुझे उसकी परवाह नहीं है। पूजा मुझे चाहती है, मुझसे शादी करना चाहती है, और आप हमें रोक नहीं सकते। इस डायलॉग बाजी का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला मिस्टर एक्टर। पूजा आपको छोड़ चुकी है और इसे हासिल करने की आपकी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी है। दो दिन से मैं अपनी बेटी की याद देख पर भी नहीं सो सका। मैं उसे देखना चाहता हूँ, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। मैं हार गया, इसीलिए मैंने तुमको यहाँ बुलाया है। मेरे दफ्तर में दो दर्जन अखबारों के रिपोर्टर बैठे हैं, उनसे जाकर कहो कि मुझे तुम्हारी पूजा से शादी में जरूर है। जाओ पूजा ढांग के भी उसे लेकर आओ। जाओ लेडीज एंड जेंटलमैन, सेठ धनचंद जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं।
मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने और दीपक कुमार जी ने सुलह करने का फैसला कर लिया है। फोटो ये देखो साहब, डायनमो का पट्टी टूट गया है, इसे तो वेल्डिंग करा के लाना पड़ेगा। अब वेल्डिंग के पैसे कहाँ से लाऊं? अरे साहब, रिपेयरिंग के पैसे तो बाद में देने वाले हो ना, वेल्डिंग का पैसा भी बाद में दे देना। मैं वेल्डिंग करा के लाता हूँ। ठीक है, सुनिए कितना टाइम लगेगा? बस यूं गया और यूं आया। मस्त गाना है, जरा लाउड करना। हमसे कुछ न बोलिए, हम राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, हम राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, रोज प्यार देना, हम उसी के होलिए, हम उसी के होलिए, रोज प्यार देना, हम उसी के होलिए। दर्द भी हमें भूल, चैन भी हमें भूल, हमने हर तरह की भूल, हार में भी रो लिए, हमने हर तरह की भूल, हार में भी रो लिए, जो भी प्यार से मिला, हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए, जो भी प्यार से मिला, हम उसी के हो लिए। धूप की नसीब में धूप में लिया है दम, धूप की नसीब में तो धूप में लिया है दम। ये देखो मेम साहब, तुम्हारा फोटो छपा है, ये देखो मेम साहब क्या लिखा हुआ है, सेठ धर्मचंद और दीपक कुमार में सुला, पूजा बेटी घर वापस आ जा, मुझे तुम्हारी शादी मंजूर। देखो मेम साहब, देखो, हमें मालूम था मेम साहब आप लोग कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं हो। मेम साहब आपकी शादी होने वाली है, मुबारक हो। जरा जल्दी करना। चलो। मिला कमरा? बड़ी मुश्किल से राजी हुआ है। पैसे की बात की? उसको तो कहा है कि हफ्ते भर रुकेंगे, अब कल सुबह निकलते वक्त सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। तुमने कमाल कर दिया। वो तो ठीक है, मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम यहाँ रात गुजारने की जिद क्यों कर रही हो? अभी निकलते तो 3 घंटे में बैंगलोर पहुंच जाते, कल तक तो बड़ी जल्दी थी तुम्हें बैंगलोर पहुँचने की। रात के धीमा जीवा मिलेंगे किससे, सब लोग सो रहे होंगे ना। ठीक है चलो। फिर दे दिया ना कमरा बिना एडवांस लिए? 100 बार कहा है तुमसे, किसी पर भरोसा मत किया करो। शरीफ लड़का है, शादीशुदा है, कार वाला है, दे देगा ना। ऐसे शरीफ लोग ही धोखा देकर भाग जाया करते हैं। आखिरी मुकाम, कल तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगी, अपने होने वाले पति की बाहों में। और तुम अखबार के लिए कहानी लिखोगे? हाँ, अजीब कहानी।
बैंगलोर में मुझसे मिलने आओगे? नहीं। क्यों? शादीशुदा औरतों से मिलने की मेरी आदत नहीं। कभी हार पूछते तो आ सकते हो? हरगिज़ नहीं। इसका मतलब हमारी मुलाकात अब कभी नहीं होगी? जरूरत क्या है मुझसे मिलने की? तुम्हारा काम तो हो गया ना, दीपक के पास पहुंच रहा था, तुम्हें पहुंच गई ना? तुम्हें तो यही चाहिए था ना मुझसे? बकवास करती हो, क्या हो गया क्या तुम्हें? Yeah!
जो कुछ तुमने अभी बाहर मुझसे कहा वो क्या तुम वाकई क्या तुम उसे शादी करोगी? पूजा, मैं बैंगलोर जा रहा हूँ, सुबह तक लौट आऊंगा। आखिर शादी करने के लिए पैसों का इंतजाम तो करना ही होगा। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पूजा, मेरा इंतजार करना, मैं पैसे लेके जल्दी लौट आऊंगा। तुम्हारा रघु। वैसे पैसे नहीं है मेरे पास, आप प्लीज मेरा बैग रख लीजिए। बैग से क्या होगा, बैग तो मेरे पास भी है। पेट्रोल का भाव क्या बढ़ गया मालूम है? ठीक है, आप मेरी स्टेपनी भी रख लीजिए और कल सुबह जब मैं आऊंगा तो ऊपर से 50 रुपए आपको दूंगा। क्या मेरे पास टोपी नहीं है? आप तो भर दीजिए। अभी भर देता हूँ। शक्ल तक नहीं देखना चाहता, गेट आउट। शर्मा जी, मेरी बात तो सुनिए शर्मा जी। अरे कोई है? यस सर। इसे यहाँ से निकालो या मुझे कहीं को ले जाओ। मेरे प्यारे शर्मा जी, शांत हो जाइए। टूटता
टच मी और मैं प्यारा नहीं हूँ। प्लीज शर्मा जी, आप मुझसे मेरी बोलने की आजादी तो मत छीनिए। बोलो बोलो। सर मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ। इस शहर में कितने अखबार हैं, लेकिन जब भी मेरे पास कोई सनसनी खेज खबर होती है मैं सीधे यहाँ आता हूँ आपके पास। और आज जब इस साल का सबसे बड़ा धमाका, सबसे नाजुक खबर मेरी मुट्ठी में है, क्या इसे लेकर मैं आपके पास नहीं आता? मेरी तरफ देखिए शर्मा जी। यही कहना चाहते हो ना तुम कि पूजा की दीपक से शादी होने वाली है? मुझे मालूम है। यही तो आप रघु जेटली की जीनियस को समझने में गलती कर रहे हैं महाशय। क्या मतलब? खबरों की दुनिया में मैं अगर ये बॉम्बशेल फेंकूं कि पूजा दीपक से शादी नहीं कर रही है तो सब सेटल हो गया है और नहीं कर रही शादी। वो दीपक से नहीं किसी और से शादी कर रही है। तू भांग भी क्या है? तू भांग भी क्या है? आप मुझे ये बताइए कि ये खबर कि पूजा दीपक से नहीं किसी और से शादी कर रही है अपने आप में सनसनीखेज धमाका है या नहीं? हाँ है। तो निकाली 10,000 और ये खबर आपकी। तू लुच्चा है, लफंगा है, चंट है, चंट। मुझे तेरी बातों पर भरोसा नहीं है। अगर तेरी ये खबर झूठी निकली तो मैं तो मर ही जाऊंगा ना। दिमाग से काम लीजिए शर्मा जी, इतनी बड़ी झूठी खबर देने के बाद अखबार की दुनिया में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? कौन मुझे नौकरी देगा? उल्टा मुझ पर मुकदमा चल सकता है, मुझे जेल हो सकती है। और तुम्हें जेल भिजवाने वाला पहला मैं रहूंगा। ठीक है मंजूर। किससे शादी कर रही है वो? पहले 10,000 रुपए। पहले खबर फिर 10,000 रुपए। किससे शादी कर रही है वो? मुझसे। है ना, गाड़ी निकालो, बस अब हम घर जाएंगे। मैं आपसे सच कह रहा हूँ शर्मा जी, प्लीज शर्मा जी, भगवान की खातिर एक मिनट संपादक की कुर्सी से नीचे उतरिए और मेरी आंखों में आंखें डालकर देखिए, क्या मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? पूजा से मेरी मुलाकात एक बस में हुई थी, पूरे वक्त हम लोग साथ थे। मैं उसे चाहने लगा हूं, उससे प्यार करता हूं। शर्मा जी सबसे बहुत जल्दी में हूँ, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। उसे तो ये भी नहीं मालूम कि मैं यहाँ आपके पास आया हूँ ये खबर देने। मेरा एक एक मिनट कीमती है और मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं। इन हालात में मैं उसे कैसे कह सकता हूँ कि मैं उसे शादी करना चाहता हूँ? बनती है कहानी, बनती है कहानी में दम है। शहर के सबसे बड़े रईस धर्मचंद की बेटी पूजा अपने पिताजी से नाराज होकर अपने प्रेमी, अपने होने वाले पति से मिलने जा रही है और रास्ते में उसे एक सड़क छाप रोमियो मिल जाता है। वो उसे इश्क करने लगती है, उसे प्यार करने लगती है। है कहानी में घुमाओ है। कहाँ है कहानी, कहाँ है? उठो, आखिर वही हुआ ना जो मैंने कहा था, वो लड़का बिना पैसे दिए गाड़ी लेकर भाग गया। मुझे तो पता ही नहीं चला। तुम्हें कैसे पता चलेगा, दिन भर उंगते जो रहते हो। अजीब है, अजीब है। चलो अब 7 नंबर में चल के देखते हैं क्या हाल है, कहीं पंखा वंखा तो नहीं ले गया। क्या है, क्या बात है? वो तेरा खसम कहाँ है जिसके साथ तू आई थी? क्या? हाँ, वो जो तुमको गाड़ी में बैठा कर लाया था। यही होंगे? सामान सूट के सब ले गया है, कमरे में कुछ भी नहीं है। क्या? हाँ, रूम का भाड़ा कौन देगा? भाड़ा ये देगी, धंधा करने के लिए ग्राहक पटा कर लाती है, क्यों नहीं देगी भाड़ा? ये क्या बदतमीजी है, क्या बकरे आप लोग? पैसा तो पैसा, रूम का भाड़ा। मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो फूट यहाँ से, चल निकल, लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? नहीं जा, हमें इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन प्लीज, बाहर में जा, जान में जा, चाहे तो नदी में डूब मर सकती, लेकिन यहाँ से जा, चल निकल, निकल यहाँ से। यही होटल मिला था धंधा करने के लिए? हाँ, अरे ए ए, टेलीफोन को हाथ मत लगा और आईना या शक्ल मत दिखा, ये होटल शरीफ लोगों के लिए है, समझी? Thank you.
खबर है। अरे ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? पूजा, पूजा बेटी कहाँ हो तुम? अरे तुम रोज़ क्या कर रही हो? पूजा तुम बताओ, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। हाँ कहाँ हो तुम? हाँ बताओ। हाँ हाँ ठीक है, तुम वही लोग आ रहा हूँ। हाँ हाँ पूजा, तुम क्या वही? थैंक यू सर, आपने मेरी लाइफ बना दी। अरे कैसी बातें करते हो यार, तुम्हारी कलम में ताकत है ताकत। अरे क्या तस्वीर खींच कर निकालते हो? क्या बात है, थोड़ी लालची हो। मगर तुम जैसे लिखने वाला आज तक कोई है ही नहीं। ओके बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। हेलो, अरे कहाँ मर गए तुम लोग? नहीं वो कहानी नहीं छपेगी, अरे ये छपेगी ये। और सुनो, मुझे पूजा का एक सुंदर फोटोग्राफ चाहिए। यस हाँ, और वो कार्टून का है? हाँ वो कार्टूनिस्ट को यहाँ भेजो, एक अच्छा कार्टून बनाना है। दीपक वर्माला लेकर मंडप के सामने खड़ा है और पूजा किसी और के साथ उसे टाटा बाय बाय करते हुए निकल जा रही है। अच्छा है ना? अरे जल्दी से यहाँ भेजो किसी को और ये सारा कंपोज करो, वो कहानी नहीं छपेगी। एक मिनट, हेलो, हाँ प्लीज प्लीज, नहीं मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बहुत काम में हूँ। प्लीज प्लीज, नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है। पूजा ने देर धमधम से बात की है। क्या कहा? पूजा ने देर धमधम से बात की है सर, वो घर वापस लौट रही है। क्या लगा गया? 10,000 रुपए का चूना लगा गया। नहीं छोड़ूंगा तुझे रघु, पुलिस को बुलाओ, उसे गिरफ्तार कराओ। आई है ना? Thank you.
ना ये पैसे शर्मा जी को दे देना और उनसे कहना कि मैं मजाक कर रहा था, ऐसी कोई खबर नहीं थी। फ्लश भी ठीक से काम नहीं करता, सब लोग मेरे पैसे खा जाते हैं। पैसे? सर ये पैसे रघु जेटली ने लौटाए हैं। क्यों? सर उन्होंने कहा कि वो सब झूठ था। कहाँ है वो? रघु, ए रघु, रघु, ए रघु, ये क्या है? हैं? ये क्या है? बस सोचा आपके साथ थोड़ा मजाक कर लूं। वैसे कहानी बुरी तो नहीं थी ना? होता है, जिंदगी में ऐसा ही होता है। आदमी सोचता कुछ है और कुछ और हो जाता है। ये ले, मूड बने तो वापस आना, बातें करेंगे बातें। हाँ पूजा। हाय डैड। मैंने कई बार दरवाजा खटखटाया पर तुम। हाँ मैं सोच रही थी। सब तैयारियां हो चुकी हैं, चारों तरफ तुम्हारी शादी के चर्चे चल रहे हैं और सुना है दीपक शादी के लिए हेलीकॉप्टर में आने वाला है। हाँ मैंने भी सुना है। मेरी राय में पागलपन है पर ठीक है, जैसा वो ठीक समझे वैसा करे। I love you. I love you, पूजा। पूजा बेटी क्या बात है, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। देखो जब से तुम आई हो तुम कुछ उलझी उलझी सी लग रही हो, मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। ये जो सब शादी की तैयारियां हुई हैं ये सब ठीक है? कहीं दीपक से तुम्हारा? नहीं। देखो अगर ऐसी कोई बात है तो अभी भी देर नहीं हुई है। तुम तो जानती हो दीपक के बारे में मेरी रियल फीलिंग्स क्या है। पूजा बेटी, पूजा बेटी, मैं तुम्हें हमेशा सुखी देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें दुनिया भर की खुशी मैं दे दूं। क्या बात है? अच्छा तुम्हें किसी और से प्यार तो नहीं हो गया है? प्यार? पूजा प्यार, तुम किसी और से प्यार करती हो? उस दीपक से नहीं? फैंटास्टिक। तुम कहां मिली उसे? बस में। बस में? बस कंडक्टर है क्या? नहीं। कौन है वो?
मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती, बस अच्छा लगता है मुझे। बस अच्छी लगती है या वो अच्छा लगता है? वो। अरे तो इतनी सी बात, इसमें इतना सीरियस होने की क्या बात है? तुम कहो तो मैं। कोई फायदा नहीं, वो मुझसे नफरत करता है। नफरत करता है? उसके हिसाब से मैं एक रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद हूँ। रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद? गुड। वो आपके बारे में भी कुछ ऐसे ही सोचता है। ओह वेरी गुड। कहता है कि मुझे बिगाड़ने में आपका ही हाथ है, आपने मेरी परवरिश ठीक से नहीं की। काबू, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। काबू, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। नहीं पता, मेरे लिए उस लड़के से मिलना बहुत जरूरी है। मेरे को सही लड़का है, ये शादी रोकनी पड़ेगी, ये शादी रोकनी पड़ेगी। रुक जाओ, रुक जाओ। ये शादी नहीं हो सकती, उतार दो। मैं कहता हूँ शादी नहीं हो सकती, रुक जाओ, रुक जाओ। अरे बारात वापस भेजो, बारात वापस भेजो। मुझे लड़का चाहिए, मुझे लड़का चाहिए, मुझे लड़का चाहिए। मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती। वो लड़का ठीक कहता था, बिना सोचे समझे मैं भागती रही गोल गोल कि मुझे क्या चाहिए। आप मुझे कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा ना, किसी का हाथ तो थामना पड़ेगा ना। तुम बदल गई हो बेटी, जब जहाज से भागी थी तो एक नौ समझ बच्ची थी, वापस लौटी हो तो औरत बन गई। इसमें जरूर उस लड़के का हाथ होगा। लड़का, मुझे लड़का चाहिए। दादी, वो रघु नहीं मिलने वाला अभी। कौन नहीं मिलने वाला? रघु। रघु, उसका पूरा नाम क्या है? रघु जेटली। ये क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं दादी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं दादी। सेठ धर्मचंद जी, मैं आपसे पैसों के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ, जिसका ताल्लुक आपकी बेटी से है, रघु जेठली। आप इसे मिलने वाले हैं? मिलना तो पड़ेगा ही, वो तुम्हें ढूंढ के लाया है, इसलिए इनाम की रकम भी उसे देनी पड़ेगी। जरूर मिलिए, और इसे इनाम देना मत भूलिए। सफर में अच्छा साथ दिया था उसने मेरा, और उसे टिप जरूर देना। I hate him. पूजा, पूजा बेटी, पूजा। Hi Dad. Hi. Hi. पूजा कहाँ है? ऊपर। पूजा, हाँ? मैं तुम्हें लेने आया हूँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें किसी शानदार पार्टी में जाना है। आओगी ना? हाँ आती हूँ। कांग्रेचुलेशन सर। हेलो हेलो, हाउ आर यू? एंजॉयिंग योरसेल्फ? या गुड बाय, थैंक यू। कम हियर, कम हियर। क्या हो गया तुम्हें? क्यों मुंह लटकाए खड़े हो? हर साल तो तुम पार्टी की जान रहते हो, आज क्या हो गया तुम्हें? आज मेरा मूड नहीं सर। मूड? अरे यार भूल जाओ, इस उम्र में लड़कियां आती है जाती हैं। अब एक लड़की चली गई तो क्या जिंदगी भर मूड लटकाए बैठे रहोगे? Come on, cheer up, cheer up. सुनो, वो डोर के पास खड़े रहो और सारे गेस्टों को तुम ले आना, ओके? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। और का तुझे चाहता
कोई और है, तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तू पसंद है किसी और की, तुझे मानता कोई और है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। कौन अपना है, क्या बेगाना है, क्या हकीकत है, क्या फसाना है, कौन अपना है, क्या बेगाना है, क्या हकीकत है, क्या फसाना है, ये जमाने में किसने जाना है, ये जमाने में किसने जाना है, तू नजर में है किसी और की, तुझे देखता कोई और है, तू नजर में है किसी और की, तुझे देखता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। ऐसा होता है, कोई हंसता है, कोई रोता है, प्यार में अक्सर ऐसा होता है, कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई पाता है, कोई खोता है, कोई पाता है, कोई खोता है, तू जान है किसी और की, तुझे जानता कोई और है, तू जान है किसी और की, तुझे जानता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मानता कोई और है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। मांगता कोई और है, तू प्यार है
किसी और का तुझे चाहता कोई और है। हेलो जी, हाँ मैं रघु जेटली बोल रहा हूँ। जी नहीं, मैं आपके घर पे नहीं आऊंगा, मैं आपसे दफ्तर में मिलना चाहता हूँ। देखो मैं परसों बंबई जा रहा हूँ और फिर हो सकता है वहां से 3-4 हफ्ते के लिए मैं अमेरिका चला जाऊँ, इसलिए मैं जाने से पहले तुम्हारा हिसाब किताब चुकता करना चाहता हूँ। लेकिन आपके घर में जो शादी का झमेला चल रहा है उसके बीच में मैं नहीं आना चाहता। उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, तुम सीधा मेरे पर्सनल रूम में चले आना ऊपर। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि आपका होने वाला दामाद शादी करने आता है या सर्कस दिखाने। सुना हेलीकॉप्टर में आ रहा है? हाँ। चलो ये तमाशा भी देख ही लेते हैं, देखते हैं कि प्यार की जीत कैसी होती है। कौन? मिस्टर धर्मचंद। मिस्टर जेटली जी, कम इन कम इन कम इन। हेलो, प्लीज सिट डाउन। मुझे आपकी चिट्ठी मिली, मगर मेरी बेटी ने कभी मुझे आपके बारे में बताया कभी आपके बारे में बताया नहीं कि आपने सफर में उसकी क्या मदद की। किसी का एहसान भूल जाना ये तो आपकी बेटी की खासियत है। मुझे गलत मत समझो, मेरा मतलब था कि कुछ देर पहले तक उसने नहीं बताया था। वैसे उसके मुताबिक तो तुम्हें तुम्हारा पूरा हक मिलना चाहिए। अच्छा, पूरा हक मिलना चाहिए, ये तो बड़ी खुशी की बात है। वैसे आपके मुताबिक क्या होना चाहिए? पता नहीं, देखना पड़ेगा कि इन पैसों पर तुम्हारा कितना हक बनता है। अगर हक नहीं बनता तो मैं यहां आता नहीं। ये लीजिए, इसमें पूरा हिसाब लिखा है। इंग्लिश में है? उल्टा है। उल्टा है, उल्टा है, सॉरी, वन सेकेंड, सॉरी। होटल का भाड़ा 45 रुपया, इस्त्री 2 रुपया, टूथपेस्ट 9:30 बजे, मेरा मतलब 9:30 रुपया, टूथब्रश 3:25, गाड़ी की मरम्मत 75 रुपया, एक टोपी 35 रुपया, दो शर्ट 45 रुपया, दो पैंट 235 रुपया, एक बैग 130 रुपया, एक कुर्ता 45 रुपया, एक लड़की एक लूंगी 35 रुपया, टोटल 699.55 रुपए। मतलब तुम्हें 699.55 रुपए चाहिए? मुझे कुछ मोजे और शेविंग किट भी बेचने पड़े थे, उसके पैसे मैंने नहीं लगाए। वो तो ठीक है, लेकिन बात है साहब, ये तो बहुत कम है, वरना ऐसे सफर में कम से कम 2-4 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। एक मिनट, मुझे एक बात समझाओ, 1 लाख रुपए के अलावा 699.55 रुपया चाहिए। कौन सा 1 लाख? इनाम का। इनाम? इनाम की बात मैंने कहा की? देखो मैं कुछ उलझन में पड़ गया हूँ, तुम यहाँ मुझसे 1 लाख रुपए इनाम के लेने आए हो ना? मैं सिर्फ 699.55 रुपए लेने आया हूँ, और जरा जल्दी दे दीजिए, मुझे यहाँ घुटन हो रही है। किस्म के आदमी हो तो वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। कोई दूसरा आदमी होता तो 1 लाख रुपए इनाम लेने जरूर आता है ना? देखिए साहब, ये उसूलों की बात है, आप नहीं समझेंगे। जब कोई मुझे बेवकूफ बनाता है तो बेवकूफ बनने की कीमत भी मैं ही चुका हूँ, ये मुझे मंजूर नहीं। तुम्हें किसी ने बेवकूफ बनाया? अच्छा खासा उल्लू का पट्टा बनाऊ मैं। अब आप पैसे दे रहे हैं, मैं जाऊं? नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट। ₹700
ये क्या है? 45 पैसे। एक मिनट, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक सवाल पूछूं। पूछिए। क्या तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो? मिस्टर धर्मचंद, जिस किसी को भी आपकी बेटी से प्यार हो जाए उसे अपने दिमाग की जांच पड़ताल करवा लेनी चाहिए। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आपकी बेटी ने अपने लिए अच्छा खासा पति चुन लिया है, दीपक कुमार, आज के जमाने का अजीब और गरीब नमूना। आपकी बेटी के लिए तो ऐसा बंदा चाहिए जो सुबह शाम उसकी ठीक से मरम्मत करे, और अगर आपने जरा भी अकल होती तो ये काम आप बहुत पहले कर चुके होते। क्या तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो? सीधा साधा इंसान उसके साथ पागल हुए बगैर एक छत के नीचे नहीं रह सकता। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। नहीं, क्या तुम उससे प्यार करते हो? हाँ, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मेरा भी स्क्रू ढीला है। उम्मीद है आपको पैसे मिल गए होंगे। बिल्कुल। मुबारक हो। आपको भी। शादी के लिए नहीं रोकेंगे आप? बहुत मजा आएगा, ऐसी शादी शायद आपने कभी देखी नहीं होगी। नौटंकी देखने का शौक नहीं है मुझे। पूजा, मैंने राघु से बात कर ली है। कुछ नहीं सुना है मुझे। मेरी बात तो सुनो पूजा। पूजा, पूजा, पूजा। मैंने कह दिया ना मुझे कुछ नहीं सुनना है। सुनो तो, पूजा। बेटी, ये शादी करके तुम बहुत बड़ी बेवकूफी करने जा रही हो। हेलो, रघु बहुत अच्छा लड़का है और वो मुझसे इनाम के पैसे मांगने नहीं आया था, वो पैसे मांगने आया था जो उसने तुम पर खर्च किए थे। हेलो समझी? पूजा बेटी, ये शादी छोड़कर भाग जाओ। मैं दुनिया में पहला ऐसा बाप होऊंगा जो अपनी बेटी को शादी का मंडप छोड़कर भागने के लिए कह रहा होगा। तो इससे पहले कि रघु तुम्हारी जिंदगी से भाग जाए, मैंने जो गाड़ी पीछे खड़ी की है उसमें बैठो और चली जाओ। ये तुम्हारे बाप की इज्जत का सवाल है बेटी। हेलो हेलो। पूजा, तुम ऐसे उल्लू के पट्टे के साथ कैसे शादी कर सकती हो? नो नो नो, ओ नो। नहीं नहीं। विद्यारंभे वाच प्रवेश स्वाहा।
का परिक्रम मान लियो। ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वात साधगे शरणे त्र्यंबके गौरी नाथ। क्या हुआ पूजा? मैं तुम जैसे उल्लू के पट्टे के साथ कैसे शादी कर सकती हूँ? ये क्या कर रही हो पूजा? ये क्या हुआ पूजा कहाँ चली गई? मुझे क्या पता, उसे भागने की आदत थी और वो और वो और वो भाग गई। हेडलाइंस हेडलाइंस। मुझे बॉम्बे जाना है, आप मेरी मदद करेंगे प्लीज? ऊपर वाला जब भी देता है भैया तो पूरा छप्पर फाड़ के देता है। मानता नहीं